कि क्या ये देश खाली पैसे वालों और पावर वालों के लिए ही खड़ा होता है। पुणे में एक्सीडेंट हो जाता है, संडे के दिन हियरिंग हो जाती है। आतंकवादी की फांसी रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट रात को लग जाती है। यहाँ हम 2 महीने से लाइन में खड़े हैं, 24 लाख बच्चों के भविष्य पे फांसी लग रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि जो फैसला है वो इसी चीज के फेवर में आए कि रीनेट दोबारा से हो। हम यही चाहते हैं कि रीनेट दोबारा से हो, इससे जो भी बच्चा, जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है वो सामने आएगा और जितने भी लोग डिजर्व नहीं करते एटलीस्ट उनके बारे में पता चल पाएगा, मेन कल्प्रेट इसी से पकड़े जाएंगे। क्यों एकदम से इंटेलिजेंट बच्चे बढ़ गए, सब इंटेलिजेंट हो जाते हैं और 520 से लेके 620 में सिर्फ 78% बढ़े हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि पेपर लीक लोकलाइज्ड है? इतनी ज्यादा रैंक इन्फ्लेशन, वो भी सिर्फ 620 से 720 के बीच सिर्फ उसी स्लॉट में आना, ये बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही इसमें दाल में कुछ काला वाली बात है ये। हम तो यही चाहते हैं कि जो फैसला है वो इसी चीज के फेवर में आए कि रीनेट दोबारा से हो, या फिर कोई भी ऐसा विकल्प लिया जाए जिससे जो भी बच्चे डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्ट हो पाए, उन्हें कॉलेज मिल पाए। सिर्फ डिजर्विंग कैंडिडेट्स 660 अबव ही नहीं है, जो बच्चे 620 से 650 नंबर लेकर के आए हैं वो भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स की कैटेगरी के अंदर बिल्कुल लाए करते हैं। और अगर ये हम बात करें NTA की और गवर्नमेंट की, तो वो लोगों ने तो सिर्फ यही कह करके मामले को खत्म कर दिया है कि आइसोलेटेड सेंटर्स के अंदर ही हुआ है जितना भी स्कैम हुआ है, और उन लोगों के मार्क्स इतने नहीं आए हैं कि वो मतलब उन्हें कॉलेज मिल सके। तो ये चीज़ हमें कैसे पता चले, मतलब कोई भी चीज़ की हमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो लोग जो कह रहे हैं बस हमें उसी को मान लेना है। ऊपर से अगर गोधरा और पटना के केस लीक हुए हैं तो हम कैसे ये चीज़ मान लें कि इतने आधुनिक समय में पेपर किसी और के पास नहीं पहुंचा होगा, सिर्फ उन्हीं लोगों तक सीमित रह गया होगा, जब 2015 में 44 बच्चों की वजह से पेपर दोबारा करवाया गया था, तो अब क्यों नहीं हो सकता जब इतना मास लीक हुआ है? सिर्फ इस वजह से कि रिजल्ट आ गया है, मतलब दो बार एग्जाम ले लिया गया, वो तो इन लोगों का तरीका है कि वो ये चाहते हैं कि एग्जाम दोबारा से लार्ज स्केल पे ना हो, क्योंकि बहुत लोगों ने 30 लाख 40 लाख रुपए देकर के सीट्स खरीद ली हैं, तो अब वो लोग दोबारा से नहीं चाहेंगे एग्जाम हुए। तो हम यही चाहते हैं कि रीनीट दोबारा से, इससे जो भी बच्चा, जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है वो सामने आएगा और जितने भी लोग डिजर्व नहीं करते एटलीस्ट उनके बारे में पता चल पाएगा, मेन कल्प्रेट इसी से पकड़े जाएंगे। अब हम सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे पक्ष में फैसला आएगा, लेकिन उससे पहले मेरा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से सवाल है। जैसे आप बोल रहे हो कि पेपर लीक लोकलाइज्ड है, अब एकदम से जैसे आप देखो 2021 से 22 में 665 से 720 लाने वाले बच्चे 11% बढ़ते हैं, 22 से 23 में बढ़ते हैं 21%, और इस साल बढ़े हैं 400%। क्यों एकदम से इंटेलिजेंट बच्चे बढ़ गए, सब इंटेलिजेंट हो जाते हैं और 520 से लेके 620 में सिर्फ 78% बढ़े हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि पेपर लीक लोकलाइज्ड है? और फिर आप एक वर्ड यूज़ करते हो एलिजिड, जब सारे प्रूव्स हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि अभी तक ये पूरी तरह से प्रूव नहीं हुआ है? पेपर लीक प्रूवन है। और अगर आप देखो जैसे आप कोई और अल्टरनेटिव लेते हो, पार्शल रीनीट करवाते हो आप, तो वो बच्चे कैसे आएंगे सामने जिनके पास पेपर ऑलरेडी पहुंच गया था? और अगर आप रीवैल्यूएशन करवाते हो जिनके पास ऑलरेडी पेपर था, जिनके सेंटर पे टीचर्स ने OMR भरी है, वो उन बच्चों के तो ऑलरेडी कितनी भी बार पेपर चेक कर लो उनके तो उतने ही मार्क्स आने वाले हैं ना, तो और कोई सोल्यूशन इसका नहीं है, रीनीट होना चाहिए, सबका होना चाहिए, दोबारा होना चाहिए, इसी से कल्प्रिट सामने आएंगे। आज 38 पिटिशंस फाइल की गई है रीनीट के लिए, और ये हम इसलिए उम्मीद लगाए बैठे हैं क्योंकि पेपर लीक पहले भी हुए हैं, 2015 में भी हुआ है, 2003 में भी हुआ है, और जब भी ये सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लाया गया है तब हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने रीनीट या री एग्जामिनेशन हमेशा उसको सपोर्ट किया है, हमेशा उसके लिए जजमेंट दिया है। और जो नो रीनीट वाले कहते हैं कि भाई हमने मेहनत नहीं की, ये नहीं किया, तो मेहनत सब ने की है, या जितने भी बच्चे आपको दिख रहे हैं, जितने भी बच्चे आपसे ये न्यूज़ बोल रहे हैं, उन्होंने सबने मेहनत की, 630 वाला, 620 वाला, उन सबने मेहनत करी है, फिर भी उनको कॉलेज नहीं मिलता है इस रैंक इन्फ्लेशन के चलते। और ये जो बोलते हैं रीवैल्यूएशन, तो उन जिन्होंने बच्चों ने ऑलरेडी इतना अच्छा स्कोर किया हुआ है उनके यहाँ फिर से OMR शीट उठा लेंगे, उनको तो फिर भी पूरे सर्कल्स मिलेंगे, पूरा उनकी मार्किंग पूरी सही रहेगी, तो उनके में तो कोई मतलब डिफ्रेंशिएट करने का कोई सहारा ही नहीं रह जाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इतनी ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन, वो भी सिर्फ 620 से 720 के बीच सिर्फ उसी स्लॉट में आना, ये बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही इसमें
दाल में कुछ काला वाली बात है ये, इसलिए हम चाहते हैं कि रीनीट हो और हमें उम्मीद है कि अगर आज नहीं तो अगली हियरिंग में जरूर हमारे हित में फैसला आएगा। मेरी बच्ची ने 642 स्कोर किया है और आज वो इस कंडीशन में है कि उसको एक भी रिस्पेक्टेबल गवर्नमेंट कॉलेज में सीट अच्छी नहीं मिल रही। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ जो बीच में धांधलेबाजी करके आए हुए बच्चे हैं, जहां बच्चे का रैंक हम एक्सपेक्ट करते 9 से 10 हजार के बीच में, आज उन बच्चों का रैंक 4 गुना बढ़ जाता है। तो क्या ये रातों रात ऐसे ही बढ़ गया? क्या इतने सारे बच्चे बीच में आ गए? तो जब भी इस सिचुएशन में ऐसा हुआ है, सिर्फ आखिरी उम्मीद हमारी सुप्रीम कोर्ट पर ही जाती है और आज भी हम इसी उम्मीद से आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट सारे मामले को बिल्कुल बारीकी से देखते हुए इस पेपर को कैंसिल करेगी और बच्चों को दोबारा चांस देगी, ताकि जो बच्चे बीच में गड़बड़ करके आए हैं वो सारे अलग हो जाएं और जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको अपनी सीट मिले। आप सिर्फ अगर दिल्ली का ओपिनियन लोगे तो यहाँ का स्टेट कट ऑफ हमेशा आई था, तो यहाँ पहले भी स्टेट कट ऑफ आई था। अब यहाँ जो बच्चे 10-15 नंबर से चूक रहे हैं, अब उन्हें चाहिए रीनीट। अब जो बाकी स्टेट्स के उनका कट ऑफ कम है, उनको जो कॉलेज मिल रहा है उनके बारे में कोई नहीं सोचेगा। यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा कंसिडरेशन लेना चाहिए एनटीए कितना अकाउंटेबल है। जो उन्होंने नंबर बताया ग्रेस वाला, जो 1500 बच्चों का नंबर बताया, क्या वो सही है कि नहीं है, हमने ये क्वेश्चन नहीं किया। एंड रीनीट इज नॉट अ सॉल्यूशन। इतने सारे बच्चों की मेहनत है जो दो दो ड्रॉप तीन तीन ड्रॉप लेके इस साल नंबर ला रहे हैं, वो वापस वही सेम मेंटल ट्रॉमा से नहीं जा सकते। वापस वही उनका मेंटल पीस खराब होता है, अगेन दे हैव टू स्टार्ट अगेन वापस सब कुछ शुरुआत से। सो अकॉर्डिंग टू मी रीनीट इज नॉट अ सॉल्यूशन, वी शुड बी अगेंस्ट इट। एंड हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और एनटीए को और अच्छे से अकाउंटेबल होना चाहिए हर चीज़ के लिए।